दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां आज भी अजीबोगरीब कानून हैं। आज हम कुछ ऐसे ही कानूनों के बारे में आपको बताने वाले हैं। पहला, सऊदी अरब के कानून के मुताबिक यहां की महिलाओं को स्विमिंग पर पूर्ण प्रतिबंध है। दूसरा, ईरान में महिलाओं का विश्व कप का मैच देखना मना है। तीसरा, बर्मा में इंटरनेट का इस्तेमाल करना मना ही है। चौथा, स्वीडन में अपार्टमेंट में रहने वाला व्यक्ति रात 10 बजे के बाद टॉयलेट फ्लैश नहीं कर सकता। पांचवा, उत्तर कोरिया में नीले रंग की जींस पहनने पर पूर्ण प्रतिबंध है और अगर कोई नीले रंग की जींस पहनता है तो उसे मौत की सजा दी जाती है। छठा और आखिरी, बरंडी देश में जॉगिंग करना गैर कानूनी है। दोस्तों, क्या आप इससे पहले तक इस कानून के बारे में जानते थे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गाइस, आजकल के एम्प्लॉइज सिर्फ सैलरी इंक्रीमेंट और प्रमोशन के चक्कर में एक कंपनी से दूसरे कंपनी में स्विच करने में जरा भी देर नहीं लगाते। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे एम्प्लॉय की हिस्ट्री बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। वो बंदा पिछले 84 सालों से एक ही कंपनी में काम कर रहा है। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। दक्षिणी ब्राजील के बोस्क्यू शहर में रहने वाले वोल्टर ओर्थमैन पिछले 84 सालों से एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं। दरअसल वोल्टर ने 84 साल पहले फैब्रिक बनाने वाली कंपनी रेनॉक्स व्यू में फैक्ट्री फ्लोर पर काम करने से शुरुआत की थी और अपनी मेहनत और लगन से वो समय के साथ एडमिनिस्ट्रेशन में चले गए और अब वो 100 साल की उम्र में कंपनी के सेल्स मैनेजर हैं। यही नहीं, सबसे लंबे समय तक एक ही कंपनी में काम करने के चलते उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कर दिया गया है। गाइस, इसे कहते हैं अपने काम और कंपनी के प्रति निष्ठा और समर्पण। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।